देश कोरोना संक्रमण के कारण आपदा काल से गुजर रहा है। इस दौरान लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे श्रमिक मजदूरों को बसों और ट्रेनों के माध्यम से भेजकर उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में ट्रेन से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे यात्रियों के लिए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे स्टेशन पहुँचकर आने वाले श्रमिक मजदूरों यात्रियों को देने के लिए एसपी ट्रैफिक अजीत प्रकाश वर्मा को लंच पैकेट, बिस्किट, पानी और अन्य जरूरत की चीज़ों को सौंपकर यात्रियों में वितरित करने का निवेदन किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक अजीत प्रकाश वर्मा और पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, जगहों पे जब से ये लॉकडाउन हुआ है और बाहर से हमारे भाई बंधु आ रहे हैं तो हम कोई दान नहीं कर रहे हैं। हम उनके स्वागत के लिए पानी और बिस्किट, मेहमान जैसे आते हैं तो उनको पहले दिया जाता है, उसी तरह मैं एसपी ट्रैफिक साहब यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को सुपुर्द कर रही हूँ कि जो हमारे अतिथि आ रहे हैं, जो गोरखपुर के रहने वाले आसपास के हैं, वो प्रसन्न होके जाएं, क्योंकि मोदी जी पूरी तरह से पूरे देश को इतनी कठिनाइयों से उभारने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी पूरी तरह से रात दिन जाग के यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें ये समर्पित है। उनको भी मैं ढेर सारा धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश को, इतने बड़े पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसमें लोगों को सुख संपदा भोजन का भी व्यवस्था कराया है और बस लगा के लोगों को गंतव्य स्थान पर भिजवा रहे हैं। आज जगह जगह मैं कहता, आज स्टेशन पे मैं उसी परिवेक्ष में आदरणीय एसपी ट्रैफिक साहब को मैं सौंप रही हूँ, क्योंकि अतिथि आएंगे तो आप लोग सेवा कर रहे हैं उनका, उसमें ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट, धन्यवाद जी। देखिए, जो हमारे पूर्व चेयरमैन साहिबा श्रीमती सत्या पांडे जी द्वारा जो है लोगों के लिए जो सहायता के लिए सामान दिया गया है, तो हम लोग जनता में इसको बंटवाएंगे और सभी लोग जितने भी हैं, पानी है, बिस्किट है, वास्तव में इसकी आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए ये एक सराहनीय प्रयास है, हम लोग उसका स्वागत करें।